नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है, लेकिन उस हैट्रिक को लगने से बचाने के लिए कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और वो गठबंधन इस बार मोदी सरकार की जो हैट्रिक है उसे रोकने के लिए बूथ स्तर तक मेहनत करती हुई नजर आ रही है। आज राजधानी भोपाल में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो अभी तक कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो आगे क्या कुछ करना है, किस तरह की रणनीति बनाना है, उस तरह की जो रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। इंडिया गठबंधन की जो गुट हैं उसमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम जो अन्य गुट हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सभी की जो बैठक है वो यहाँ पर संयुक्त रूप से जारी है और लगातार रणनीति बनाने में वो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। उस बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। साथ ही जो रानी अग्रवाल हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हुई नजर आई। क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। जनता के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी ये संदेह कर रहा है कि भारत में होने वाले जो चुनाव है, चुनाव जो है कि निष्पक्ष होंगे या नहीं होंगे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी संदेह है और आप सब जानते हैं कि इस देश के ऊपर क्या हो रहा है। ये पहली बार है जब दो चुनाव आयोग एक राज्य में चुनाव की समीक्षा करने के लिए जाते हैं और वहां से एक आयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करने की बजाय दिल्ली में आ जाते हैं और आपका स्वास्थ्य कार्यों की का बहाना बनाकर इस्तीफा दे देते हैं। ये पहली बार है जब सरकार को सर्वोच्च न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है और इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया जाता है। ये पहली बार है इस देश के अंदर के चुने हुए निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है चुनाव के समय पर। ये पहली बार है जब चुनाव हो रहे हैं ऐसे समय में मुख्य विपक्षी पार्टी के जो चुनावी खाते हैं उन खातों को सील कर दिया जाता है। मेरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 15 करोड़ रुपए से दिया जाता है। इसलिए ये जो चुनाव है ये चुनाव सिर्फ आने वाली सरकार का निर्णय करने के लिए नहीं है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि भाजपा के दो नेता कह चुके हैं कि हम इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अगर संविधान बदलने का अर्थ है कि महिलाओं को मिली हुई सुरक्षा का खत्म हो जाना, महिला संविधान बदलने का अर्थ है दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जो मिलने वाला आरक्षण है, उनको जो मिलने वाला संरक्षण है उसको खत्म कर देना। इसलिए ये जो चुनाव है ये चुनाव एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब एक मणिपुर के अंदर हमारा देश चल रहा है, हमारा प्रदेश चल रहा है और सरकार उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के सवालों को लेकर हम लोग अलग अलग दलों के लोग हैं, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन इसलिए हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर हमने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराएंगे। और इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारी बैठक हुई आज, उस बैठक में भी हमने तय किया है कि देखो आज हमारी बैठक है, ये बैठक शुरुआत है, इसके बाद हम जिला स्तर पर निचले स्तर पर जाएंगे, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, जनता को एकजुट करेंगे, इन खतरों के बारे में बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की हार को सूचित करने के लिए इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए काम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इसी रविवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ की बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी दल के वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित थे। आप सभी जानते हैं कि
केजरीवाल जी और हमारे कई वरिष्ठ नेता को झूठे आरोप में दिल्ली में फंसाया गया और जेल में डाला गया। आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहा जाए कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इसी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के रूप में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लोकसभा का चुनाव है, जहाँ जहाँ हर दल के लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहाँ हम सब एक रूप में एकत्रित होकर और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब एक हैं। आप सब देश के चौथे स्तंभ हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप सब सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में नई सरकार बनाए और लोकतंत्र को बचाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी यही सपना था जनता के प्रति, और इंडिया गठबंधन इसीलिए आगे आई है और आप सब का सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। सभी यहाँ उपस्थित गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सर्वविदित है कि जिस तरीके से नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आकार बना और उसका उद्देश्य सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आम आदमी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनकी रक्षा करना है। महत्वपूर्ण इस अवसर पर यह कहना कि जब हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया के फ्रीडम की बात करते हैं, संवाद के अधिकार की बात करते हैं, अपनी बात को, अपने संवाद को, अपनी आवाज को स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यवस्था कह सके। इस देश के निर्माण में सालों साल इसकी रक्षा, उसकी बात नहीं करते हैं। अब आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन की बात जरूर की थी, पर ये अच्छे दिन थे क्या? करप्शन जो आंखों से देखा गया, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी में और करप्ट है उनको अलग नजरिए से इस देश में आजकल देखा जाता है, और एक वो जो विपक्ष में जिनके आरोप उच्चारो और किसी तरह के आर्थिक अनियमितताओं के आरोप रखते हैं उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। वो जो विपक्ष में रहकर जिन पर आरोप लगे, मुकदमे लगे, भारतीय जनता पार्टी में अगर सम्मिलित हो गए तो फिर अल्टीमेटली जांच समाप्त हो जाती है। ये रोज बोलने वाली बात नहीं है, सर्वविदित है, आप सब जानते हैं इस बात को। नेचुरल स्वाभाविक है। उन्होंने कहा गया कि अरविंद केजरीवाल या झारखंड के हमारे सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके का व्यवहार किया, ये लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा इस तरह का विचार कर ही नहीं सकता। ये डिक्टेटरशिप की ओर आपको अग्रसर कर सकता है, देश को अग्रसर कर सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से चलते चुनाव में पॉलिटिकल दलों के आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना सरकार द्वारा, या उनको सीज करना या अलग अलग तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करना, व्यवस्था बनाना, ये भी लोकतंत्र के लिए घातक तो है ही, पर ये तानाशाही की ओर इंगित करता है देश के राजनीतिक माहौल को। मैं फिर से जो राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास होकर जो बयान जारी किए गए हैं, उसी रूप में हमारी पूरी आज की भावना की, कार्यशैली की, आगे की कार्य व्यवस्था की और आने वाली दिनों में हमारी कार्य प्रणाली की, वो सब हमने आज चर्चाएं की है सारे राजनीतिक दलों में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और मैं मानता हूँ कि एकजुटता से हम इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को जिताएंगे। जो कल घटित हुई घटना खजुराहो, ये एक मैसेज है कि इस देश में मर्यादा क्या होती है, राजनीतिक मर्यादा क्या होती है। अब इसकी बात करना भी उचित नहीं बचा है। एक यादव मुख्यमंत्री ने यादव महिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का
अपने कलेक्टर को कहके षड्यंत्र तरीके से निरस्त हम निरस्त करा दिया। ये एहसास क्या कहता है? ये एहसास तानाशाही की ओर देश ले जाना है इसका एक मैसेज देता है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है कि फॉर्म में कोई कमी है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सुधार करवाए, बिठा कर सुधार करवाए। एक फोटो कॉपी है जिसमें हर जगह साइन है, पर कलेक्टर का ये बोलना कि एक फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं है, ये कहना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जो फोटो कॉपी में साइन है और आप में नहीं है, वो फॉर्म हमें दे दो, दिखा दो, मीडिया को बता दो, तो कार्य फ्रीज हो चुका है। अब कोर्ट में आप जाओगे तो ही बताया जाएगा अब नहीं दिया जाएगा। ये बताता है कि हम कुछ नहीं मानेंगे। जो छोटे छोटे चुनाव में सरपंच के चुनाव में अर्धर्मिता होती है, वो अर्धर्मिता हम सांसद के चुनाव में, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में, मतलब जो सोच विचार इनके राजनीतिक मातृत्व, राजनीतिक सामाजिक संगठन का है, अब वो उसको मूर्त रूप देने लगे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेश की जनता को आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके वोट की ताकत को बचाना है, राजनीतिक मर्यादा को बचाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी ने 2023 के चुनाव में कुछ बातें कही थी, ये एक तरह से हमारा आरोप पत्र है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप बताएं मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी उनका प्रदेश अध्यक्ष रोज भाषण करते हैं और चुनाव को जीतने के दावे किए जाते हैं, ये चुनाव को जीतने के दावे करने से पहले लाड़ली बहनों को आपने 3,000 का वचन दिया था, पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि उन्हीं बहनों को उन्होंने कहा था एक पक्का मकान, 1.3 करोड़ लाड़ली बहनाएं थी, 1.3 करोड़ लाड़ली बहनों को पक्का मकान देंगे, उसपे इस 4 महीने में एक रामायण गीता जैसे वचन पत्र पर सरकार क्यों गई? ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति बनाएंगे, 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत पोषण विकास को जोड़ने की बात कही, एक शब्द भी इस पे क्यों नहीं बोला गया? क्या कारण है कि लाडली लक्ष्मी के कुल 2 लाख, लाडली लक्ष्मी को कुल 2 लाख देंगे, सभी बीपीएल परिवार की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक यह लाभ मिलेगा और लखपति बहना बनेगी, उस योजना का क्या? 450 का सिलेंडर देंगे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली बहनों को, वो योजना चालू क्यों नहीं? जैसा मैंने कहा केजी से पीजी तक, बीजेपी के घोषणा पत्र की बातें हैं, ये कोई मेरे मन की नहीं है, केजी से पीजी तक अब महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उस पर सरकार एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ी? जैसे किसानों को भाजपा ने कहा था कि हम 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे, 3100 धान का दाम देंगे और 12,000 रुपए वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश की अब सरकार है, देश की सरकार तो जो देगी वो देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी। मुझे इंडिया गठबंधन का खुद का मतलब कमी है, इसमें पार्टी का वो नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इसके सारे जवाब, चूंकि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी की पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, वो देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पर जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का कलेक्टर, मैंने कल भी बयान दिया था, 3 घंटे तक कुर्सी पे नहीं आए, जो प्रत्याशी था वही, उसके प्रत्येक दर से वीडियो भी है और उसका वो सब हम जैसे कोर्ट में ले जाने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए इंडिया गठबंधन ने जो समाजवादी पार्टी को 12 बजे जाने के प्रत्याशी और उनकी पत्नी वहां कांग्रेस के और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर ऑफिस में बैठे, कलेक्टर 3 घंटे तक आए ही, निर्वाचन अधिकारी होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, संसदीय निर्वाचन अधिकारी, ये बात को मैं खुद साक्षी हूं, मैंने कलेक्टर को मेरे रिकॉर्ड में देख ले 10 बार फोन लगाया, मैसेज की, मेरा फोन उठाया, एक पार्टी के विपक्ष के का नेता के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने फोन उठाया, अनुपम राजन जो जिला निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के हैं उनसे मेरी बात की, स्टेट के हैं उनसे मेरी बात की, तब जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा सर ये साइन नहीं है और ऐसी शिकायत वहां से आई है, पर चूंकि कलेक्टर वहां बैठ जाएंगे तो वो साइन हो सकती है, इसमें कोई चुप नहीं, ये मुमकिन उनकी और हमारी बात है, मोह फोन, तो
तो अगर कोई गलती थी तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जो कमी है उसको पूरी करना। लोकतंत्र का मूल विचार क्या है, ये कहता है कि अगर वहां में कमी है तो दूर करना। 3 घंटे बैठे थे, लगातार बैठे थे, मीडिया डोमेन में। तो ये कहना कि जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी का एजेंट बन गया, यही पर लड़ाई है। जो कलेक्टर है वो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वहां के प्रत्याशी है, उनका नौकर है, उनका सर्वेंट है, व्यक्तिगत सर्वेंट। जो वो कलेक्टर अपना धर्म नहीं निभा, वो कलेक्टर निर्वाचन के जो संविधान की शपथ थी उसको नहीं निभा, और इस तरह के कुकृत्य करके बचने के लिए इस तरह की बातें पब्लिक में फैला है, मीडिया में फैला है, यही तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और इसी के अगेंस्ट तो गठबंधन की एकता है। मैंने जैसा कहा कि मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि फिनोमा बनाया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, झूठ बोल के अलग अलग तरीके के मायाजाल रच के कि बीजेपी की स्थिति अच्छी है। अगर अच्छी होती, बहुत अच्छी होती, तो कांग्रेस के क्राइम करने वाले लोगों को, रेता ढोने वाले लोगों को, प्रेशर चलाने वाले लोगों को दोनों हाथ फैला के क्यों लेते। कमजोर ये कभी तो ये होता है। हम मैंने पहले भी कहा था 10-11 सीटें इसलिए जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस आ गई थी, तो स्वाभाविक रूप से वो वोट भी हमारा। दूसरी बात है, 5 सीटें ऐसी है जहाँ कास्ट कमीशन के हिसाब से चुनाव होते हैं, और वो 5 सीटों में 6 सीटें ऐसी जहाँ पे जातिगत आधार पर वोट पड़ता है, उन सीटों को भी हम बी कैटेगरी की श्रेणी में लेते हैं, जिसमें से हम जीत भी सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। मैं ये दावा बीजेपी के साथ अलोकतांत्रिक नहीं कर सकता, अहंकारी रूप से नहीं बोल सकता कि इतनी ही जीतेंगे। हमारी इच्छा है आधा हिस्सा कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का बनता है, 100% जब रिजल्ट आएगा तो 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस की झोली में होगी। आज मंच लगा था, यहाँ मंच लगा था, और जहां भी रोज ज्वाइनिंग होती थी, परिणाम जनता और कार्यकर्ता को देना होता है। कार्यकर्ता अपनी जगह खड़ा है, अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है, गांव गांव में खड़ा है, और कांग्रेस की विचारधारा और इंडिया गठबंधन के विचार को आत्मसात करता है। हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के स्कूल चक्र को कुछ विचार से भयभीत नहीं, न डरे हुए हैं, न दिमाग में ऐसे कोई विचार आता है कि ये क्या हो रहा है। हमें पता है कि इनसे लड़ने के लिए लड़ना चाहिए, ये झूठ और पाखंड, करप्शन और क्राइम के लोगों से लड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और वो कांग्रेस का राजनीतिक जो विचार था, जिसने देश को आंदोलित करके आजादी दिलाई, जो देश का वो कांग्रेस का आंदोलनकारी विचार है, जो हमेशा आंदोलन और आम आदमी से कनेक्शन करता है, हम उसको लेकर बिल्कुल मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी के स्कूल चक्र से कोई किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा, जब सीटों की संख्या आएगी, जो 29 की बात करते हैं, 400 पार की बातें करते हैं, सब जवाब उसके बाद आएगा, और कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। धन्यवाद आपको उनके सवाल। मोहम्मद ताहिर खान, प्रवास अच्छी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।